बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू राबड़ी पर निशाना साधा है। वह रविवार को बिहार के खगड़िया और अररिया लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने लालू राबड़ी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही नीतीश ने केंद्र सरकार के कामों को भी खूब सराहा, साथ ही केंद्र की मदद से बिहार में कैसे तेजी से विकास हो रहा है इस बारे में भी जनता को बताया। उन्होंने कहा कि बिहार से पिछड़ेपन को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी का पीएम बनना जरूरी है। इसके साथ ही सीएम ने महागठबंधन पर भी तंज कसा और कहा महागठबंधन में कोई मेलजोल नहीं है, ये एक बनावटी सियासी उठापटक खिचड़ी है। सीएम नीतीश ने खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा पति और पत्नी के शासनकाल में महिलाओं का विकास नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन समाज की महिलाओं के लिए सीएम ने कुछ नहीं किया। समाज की महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया है। आरजेडी का यही दोहरी नीति हमेशा रहती है। उन्होंने केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार समेत पूरे देश में विकास का काम कर रही है। मोदी सरकार गरीबों के उत्थान को लेकर काम कर रही है। गरीब परिवारों को घरों में गैस चूल्हे दिए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीविका योजना से महिलाओं को आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में भी केंद्र सरकार महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। केंद्र के सहयोग से ही बिहार की सड़कें चमकने लगी हैं। बिहार में सड़क और पुलों का योजना के लिए 50,000 करोड़ की स्वीकृति केंद्र की ओर से मिल चुकी है। खगड़िया में बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए भी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इसका असर लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। इसके पहले सीएम नीतीश ने अररिया के रानीगंज में भी चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से देश का मनोबल काफ़ी बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई से पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 5 साल के कार्यक्रम देश के तेजी से विकास करने के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल तक पति पत्नी की सरकार ने बिहार में कुछ नहीं किया, लेकिन 13 साल के शासन में ही हमारी सरकार ने बिहार को देश के नक्शे पर चमका दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य बिहार सरकार ने तेजी से किया है। उन्होंने इसी 13 साल की मजदूरी के रूप में जनता से एक बार फिर से एनडीए को वोट करने का अपील किया। अब देखते हैं नीतीश कुमार की इस अपील का बिहार की जनता किस तरह से असर देती है। खास बात यह है कि जब वो अपनी मजदूरी मांग रहे 13 सालों की और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी अपने 4 साल के कार्यों की मजदूरी मांग रहे हैं, तो देखना होगा कि कितनी लिबरल है बिहार और देश की जनता। बने न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।